बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम घर में फ़िश फ्राई कर रहे हैं। फ़िश को मसाला पहले से अम्मी ने लगा लिया था, मैं थोड़ा काम गया हुआ था लाहौर, तो जब तक मैं वापस आया हूँ तो मसाला तो लगा हुआ था, लेकिन आज हम इसे फ्राई करने लगे हैं। तो कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया है, ऑयल तकरीबन ही गर्म हो चुका है। ये फ़िश दरिया सिंध की फ़िश है, अभी एक पीस डाल कर देखते हैं कि ऑयल फुली गर्म हो चुका है या नहीं। ऑयल जो है गर्म हो चुका है दोस्तों, तो बाकी पीस भी डालते हैं इसमें। दोस्तों, इसमें ये हम रोटी वगैरह रखते हैं, इसमें रोटी जो है वो गर्म पड़ी रहती है, ये काफ़ी गर्म रोटी इसमें पड़ी है। ये रोटी बनी हुई है, बस अभी फ़िश फ्राई करने लगे हैं, तो फ़िश फ्राई होने के बाद रोटी खाएंगे। दोस्तों, इसका जो मसाला है वो बिल्कुल ही सिंपल मसाला लगाया हुआ है इसे हमने। मैंने अम्मी से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि इसमें हमने लीमू, लहसुन, इसके अलावा नमक, मिर्चें और थोड़ा सा फ़िश का जो मसाला बाज़ार से डब्बे वाला मिलता है वो, और इसके अलावा हमने इसमें खुश्क धनिया भी डाली है और दही भी डाला है। तो इस मसाले को रात से हमने फ़िश के ऊपर लगा कर रख दिया था, तो अभी दिन को हम इसे फ्राई कर रहे हैं। ये सिंपल सा मसाला है, पहले भी बनाते रहते हैं फ़िश, तो काफ़ी लजीज फ़िश बनती है। जी तो दोस्तों, हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है, अभी मैंने इसे टेस्ट भी किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लजीज फ़िश बनी है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।